गिनती अध्याय 26 कुल पद 65। फिर यहोवा ने मूसा और एलियाजर नामक हारून याजक के पुत्र से कहा, इसराइलियों की सारी मंडली में जितने 20 वर्ष के या उससे अधिक अवस्था के होने से इसराइलियों के बीच युद्ध करने के योग्य हैं, उनके पितरों के घरानों के अनुसार उन सभी की गिनती करो। सो मूसा और एलियाजर याजक ने यरीहो के पास यर्दन नदी के तीर पर मोआब के अराबा में उनसे समझा के कहा, 20 वर्ष के और उससे अधिक अवस्था के लोगों की गिनती लो, जैसे कि यहोवा ने मूसा और इसराइलियों को मिस्र देश से निकल आने के समय आज्ञा दी थी। रूबेन जो इसराइल का जेठा था, उसके ये पुत्र थे, अर्थात हनोक जिससे हनोकियों का कुल चला, और पल्लू जिससे पल्लुइयों का कुल चला, हेस्रोन जिससे हेस्रोनियों का कुल चला, और कर्मी जिससे कर्मियों का कुल चला। रूबेन वाले कुल यही थे, और इनमें से जो गिने गए वे 43,730 पुरुष थे। और पल्लू का पुत्र एलियाब था, और एलियाब के पुत्र नमूएल, दातान और अबीराम थे। ये वही दातान और अबीराम है जो सभासद थे। और जिस समय कोरह की मंडली ने यहोवा से झगड़ा किया था, उस समय उस मंडली में मिलकर वे भी मूसा और हारून से झगड़े थे। और जब उन 250 मनुष्यों के आग में भस्म हो जाने से वो मंडली मिट गई, उसी समय पृथ्वी ने मुंह खोलकर कोरह समेत इनको भी निगल लिया, और वे एक दृष्टांत ठहरे। परंतु कोरह के पुत्र तो नहीं मरे थे। शिमोन के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले वे ये थे, अर्थात नमूएल जिससे नमूलेइयों का कुल चला, और यामीन जिससे यामीनियों का कुल चला, और याकीन जिससे याकीनियों का कुल चला, और जेरह जिससे जेरहियों का कुल चला, और शाउल जिससे शाउलियों का कुल चला। शिमोन वाले कुल यही थे, इनमें से 22,200 पुरुष गिने गए। और गाद के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले वे ये थे, अर्थात सपोन जिससे सपोनियों का कुल चला, और हाग्गी जिससे हाग्यों का कुल चला, और शूनी जिससे शूनियों का कुल चला, और ओजनी जिससे ओजनियों का कुल चला, और एरी जिससे एरियों का कुल चला, और अरोद जिससे अरोदियों का कुल चला, और अरेली जिससे अरेलियों का कुल चला। गाद के वंश के कुल यही थे, इनमें से 40,500 पुरुष गिने गए। और यहूदा के एर और ओनान नामक पुत्र तो हुए, परंतु वे कनान देश में मर गए। और यहूदा के जिन पुत्रों से उनके कुल निकले वे ये थे, अर्थात शेला जिससे शेलियों का कुल चला, और पेरेस जिससे पेरेसियों का कुल चला, और जेरह जिससे जेरहियों का कुल चला। और पेरेस के पुत्र ये थे, अर्थात हेस्रोन जिससे हेस्रोनियों का कुल चला, और हामूल जिससे हामूलियों का कुल चला। यहूदियों के कुल यही थे, इनमें से 76,000 पुरुष गिने गए। और इस्साकार के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले वे ये थे, अर्थात तोला जिससे तोलियों का कुल चला, और पुव्वा जिससे पुवियों का कुल चला, और याशूब जिससे याशूबियों का कुल चला, और शिमरोन जिससे शिमरोनियों का कुल चला। इस्साकारियों के कुल यही थे, इनमें से 64,300 पुरुष गिने गए। और जबुलून के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले वे ये थे, अर्थात सेरेद जिससे सेरेदियों का कुल चला, और एलोन जिससे एलोनियों का कुल चला, और यहलेल जिससे यहलेलियों का कुल चला। जबुलूनियों के कुल यही थे, इनमें से 60,500 पुरुष गिने गए।
और यूसुफ के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले वे मनश्शे और एप्रैम थे। मनश्शे के पुत्र ये थे अर्थात माकीर, जिससे माकीरियों का कुल चला, और माकीर से गिलाद उत्पन्न हुआ, और गिलाद से गिलादियों का कुल चला। गिलाद के पुत्र ये थे अर्थात इएजेर, जिससे इएजेरियों का कुल चला, और हेलेक, जिससे हेलेकियों का कुल चला, और असरीएल, जिससे असरीलियों का कुल चला, और शेकेम, जिससे शेकेमियों का कुल चला, और शमीदा, जिससे शमीदियों का कुल चला, और हेपेर, जिससे हेपेरियों का कुल चला, और हेपेर के पुत्र सलोफाद के बेटे नहीं केवल बेटियां हुई। इन बेटियों के नाम महला, नोआ, होगला, मिल्का और तिरसा हैं। मनश्शे वाले कुल यही थे, और इनमें से जो गिने गए वे 52,700 पुरुष थे। और एप्रैम के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले वे ये थे अर्थात शूतेलह, जिससे शूतेलहियों का कुल चला, और बेकेर, जिससे बेकेरियों का कुल चला, और तहन, जिससे तहनियों का कुल चला। और शूतेलह के यह पुत्र हुआ अर्थात एरान, जिससे एरानियों का कुल चला। एप्रैमियों के कुल यही थे, इनमें से 32,500 पुरुष गिने गए। अपने कुलों के अनुसार यूसुफ के वंश के लोग यही थे। और बिन्यामीन के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले वे ये थे अर्थात बेला, जिससे बेलियों का कुल चला, और अशबेल, जिससे अशबेलियों का कुल चला, और अहिराम, जिससे अहिरामियों का कुल चला, और शपुपाम, जिससे शपुपामियों का कुल चला, और हुपाम, जिससे हुपामियों का कुल चला। और बेला के पुत्र अर्द और नामान थे, तथा अर्द से तो अर्दियों का कुल और नामान से नामानियों का कुल चला। अपने कुलों के अनुसार बिन्यामीनी यही थे, इनमें से जो गिने गए वे 45,600 पुरुष थे। और दान का पुत्र जिससे उनका कुल निकला यह था अर्थात शुहाम, जिससे शुहामियों का कुल चला, और दान का कुल यही था। और शुहामियों में से जो गिने गए उनके कुल में 64,400 पुरुष थे। और आशेर के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले वे ये थे अर्थात यमना, जिससे यमनियों का कुल चला, यिश्री, जिससे यिश्रियों का कुल चला, और बरिया, जिससे बरियों का कुल चला। फिर बरिया के ये पुत्र हुए अर्थात हेबेर, जिससे हेबेरियों का कुल चला, और मलकीएल, जिससे मलकीएलियों का कुल चला। और आशेर की बेटी का नाम सेरहा है। आशेरियों के कुल यही थे, इनमें से 53,400 पुरुष गिने गए। और नप्ताली के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले वे यही थे अर्थात यहसेल, जिससे यहसेलियों का कुल चला, और गूनी, जिससे गूनियों का कुल चला, येसेर, जिससे येसेरियों का कुल चला, और शिल्लेम, जिससे शिल्लेमियों का कुल चला। अपने कुलों के अनुसार नप्ताली के कुल यही थे, और इनमें से जो गिने गए वे 45,400 पुरुष थे। सब इसराइलियों में से जो गिने गए थे वे यही थे अर्थात 601,730 पुरुष थे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इनको इनकी गिनती के अनुसार वह भूमि इनका भाग होने के लिए बांट दी जाए, अर्थात जिस कुल में अधिक हो उनको अधिक भाग, और जिसमें कम हो उनको कम भाग देना। प्रत्येक गोत्र को उसका भाग उसके गिने हुए लोगों के अनुसार दिया जाए, तो भी देश चिट्ठी डालकर बांटा जाए।
इसराइलियों के पितरों के एक एक गोत्र का नाम जैसे जैसे निकले वैसे वैसे वे अपना अपना भाग पाए, चाहे बहुतों का भाग हो चाहे थोड़ों का हो। जो जो भाग बांटे जाए वह चिट्ठी डालकर बांटे जाए। फिर लेवियों में से जो अपने कुलों के अनुसार गिने गए वे ये हैं, अर्थात गिरशोनियों से निकला हुआ गिरशोनियों का कुल, कहात से निकला हुआ कहातियों का कुल, और मरारी से निकला हुआ मरारियों का कुल। लेवियों के कुल ये हैं, अर्थात लिबनियों का, हेब्रानियों का, महलियों का, मूशियों का और कोरहियों का कुल। और कहात से अमराम उत्पन्न हुआ, और अमराम की पत्नी का नाम योकेबेद है। वह लेवी के वंश की थी, जो लेवी के वंश में मिस्र देश में उत्पन्न हुई थी। और उसके द्वारा अमराम से हारून और मूसा और उनकी बहन मरियम भी उत्पन्न हुए। और हारून से नादाब, अबीहू, एलियाजर और ईतामार उत्पन्न हुए। नादाब और अबीहू तो उस समय मर गए थे जब वे यहोवा के सामने ऊपरी आग ले गए थे। सब लेवियों में से जो गिने गए, अर्थात जितने पुरुष एक महीने के या उससे अधिक अवस्था के थे, वे 23,000 थे। वे इसराइलियों के बीच इसलिए नहीं गिने गए क्योंकि उनको देश का कोई भाग नहीं दिया गया था। मूसा और एलियाजर याजक, जिन्होंने मोआब के अराबा में यरीहो के पास की यर्दन नदी के तट पर इसराइलियों को गिन लिया, उनके गिने हुए लोग इतने ही थे। परंतु जिन इसराइलियों को मूसा और हारून याजक ने सीनै के जंगल में गिना था, उनमें से एक भी पुरुष इस समय के गिने हुओं में ना था, क्योंकि यहोवा ने उनके विषय कहा था कि वे निश्चय जंगल में मर जाएंगे। इसलिए यपुन्ने के पुत्र कालेब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ उनमें से एक भी पुरुष नहीं बचा।